हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी लर्न लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर। अपन लेटर नेम्स क्या है अभी? यू आर लक्षिता, तुम लक्षिता हो, लिविंग एट विद्याधर नगर इन जयपुर, आप विद्याधर नगर जयपुर में रहते हो। राइट टू ए लेटर टू द कमिश्नर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जयपुर, कंप्लेनिंग हिम, शिकायत करते हुए दैट पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट लाइट्स। जो आपके लोग हैं एरिया के, वो हैं स्ट्रीट लाइट की समस्या का सामना कर रहे हैं। द लाइट्स आर ऑफ सिंस लास्ट 10 डेज। लाइट्स हैं वो 10 दिनों से क्या हैं अभी? ऑफ चल रही हैं, बंद चल रही हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है अभी? सेंडर्स एड्रेस होगा, जिस जो व्यक्ति ये पत्र भेज रहा है, इसे कहते हैं पत्र। इसमें कौन भेज रहा है अभी? लक्षिता भेज रही है। और वो कहाँ रहती है अभी? विद्याधर नगर रहती है। विद्याधर नगर लिख लिया। ये विद्याधर नगर जो कॉलोनी है या जगह है, वो कहाँ पड़ती है अभी? जयपुर में। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी? जयपुर लिखेंगे। इसके बाद में क्या लिखेंगे अभी? आप डेट लिखेंगे, जिस दिन ये आप लेटर एप्लीकेशन जो लिख रहे हैं, जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो वो डेट लिख दो आप। जैसे 30 मार्च है, तो अगर सन जो भी सन हो आपकी वो लिख सकते हो, इसका आपको अंक मिलेगा। इसके बाद में जो ये लेटर है, ये आप किस व्यक्ति को लिख रहे हो? यहाँ पर दिया हुआ है रिसीवर्स एड्रेस, जो ये लेटर प्राप्त करेगा। जैसे प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो द प्रिंसिपल आ जाएगा। अब हम लिख रहे हैं कमिश्नर को, उसको लिख रहे हैं अभी कमिश्नर को, तो यहाँ पर आएगा द कमिश्नर। अब ये कमिश्नर बैठता कहाँ पर अभी? इसका ऑफिस कौन सा है अभी? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो आप यहाँ पर ये लिखोगे। कॉरपोरेशन, अब ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पड़ता कहाँ पर है अभी? जयपुर में। तो आप नीचे क्या लिखोगे अभी? जयपुर। इतना लिखने के बाद में यहाँ पर दे दिया इसने सैल्यूटेशन, संबोधन, किस नाम से? सर या मैडम के नाम से। पर तो इसके ऊपर आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हो, वो भी कंपलसरी होता है। इसके नीचे आप अपना क्या लिखेंगे अभी? सब्जेक्ट। जो लेटर है वो किसके बारे में लिख रहे हैं आप? अबाउट, इसके बारे में भी अबाउट प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट लाइट्स। इसमें क्या है अभी? जो भी पत्र जिसको भेजा जा रहा है, जो पहले नज़र में देखते ही पता चल जाएगा कि इस पत्र में क्या चीज़ है। इतना जरूर लिखोगे, अबाउट प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट लाइट्स। इसके बाद में सैल्यूटेशन क्या होगा अभी? सर या मैडम होगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी? सर लिखेंगे। कोमा लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोमा आजकल लगते नहीं है। तो इनके भी एक नंबर इसका होता है, एक नंबर इसका होगा, आधा अंक इसका, आधा इस, तीन अंक का काम आपका इसमें हो चुका है। अब देखिए भी, अब बॉडी ऑफ द लेटर, आपको बॉडी लिखनी है। यहाँ पर हमेशा क्या होता है बॉडी ऑफ लेटर में? क्या करोगे भी? मोस्ट से स्टार्ट करोगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मोस्ट रिस्पेक्टफुली। अब क्या करोगे भी? आई वॉन्ट टू, वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू ब्रिंग या ड्रा। यहाँ पर आप ड्रा भी लिख सकते हो। ड्रा होता है खींचना, ब्रिंग होता है लाना। यूअर, तुम्हारा, काइंड, अटेंशन, या लिखोगे काइंड नोटिस। क्या लिखोगे भी? नोटिस, आपका ध्यान, अबाउट, इतनी लाइन जरूर लिखोगे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ये लाइन आप सभी लेटर में लिखोगे, शिकायती पत्र में। अब अबाउट के बाद में हमारे जो ये है ना, जो सब्जेक्ट लिखा है वो सेम का सेम लिखना है, प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट लाइट्स। अब ये बात भी लिख सकते हो आप कि द पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, द लाइट्स आर ऑफ सिंस लास्ट 10 डेज। ये सेम की सेम लाइन लिख दोगे, पीपल आर फेसिंग समस्या का सामना कर रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स इन आवर लोकेलिटी, इन आवर लोकेलिटी। लोकेलिटी का मतलब क्या हुआ अभी? आपके क्षेत्र में, या आप इन एरिया भी कर सकते हो यहाँ पर।
आगे ये लाइन लिखोगे द लाइट्स आर ऑफ, द लाइट्स आर ऑफ सिंस, कितने दिनों से लाइट नहीं आ रही है अभी, लास्ट 10 डेज, लास्ट 10 डेज। इसके बाद में आप लिखोगे कि जो लाइट्स हैं उनसे क्या हो रहा है अभी, द देयर इज टोटल डार्कनेस, डार्कनेस इन द नाइट, एट नाइट, रात में क्या रहता है अभी, पूर्णतः अंधेरा रहता है। फिर क्या होता है, इससे क्या होगा अभी, देयर हैव बीन मैनी, देयर हैव बीन मैनी केसेस, केसेस क्या होते हैं अभी, मामले ऑफ थेफ्ट, चोरी के बहुत से मामले बढ़ रहे हैं, किसे भी, इसकी वजह से, और किसके बढ़ रहे हैं अभी, एंड एक्सीडेंट्स, एंड एक्सीडेंट्स, इतनी बातें लिखोगे। क्योंकि जो लाइट रहती है उसमें क्या रहता है अभी, देयर इज टोटल डार्कनेस रहती है, अंधेरा रहता है, इसकी वजह से क्या हो रहा है अभी, चोरियाँ बढ़ रही हैं और एक्सीडेंट की घटनाएँ बढ़ रही हैं। आगे आप देख सकते हो, आवर लाइफ इज इन डेंजर, हमारा जीवन है वो क्या है अभी, खतरे में, आवर लाइफ इज इन डेंजर। अब क्या लिखना है अभी, सब्सक्रिप्शन लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज लिखना है। इसमें क्या लिखोगे भी आप, एक लाइन ये हमेशा यहाँ नीचे लिखोगे, प्लीज कृपया लुक इनटू, शिकायती पत्रों में ये लाइन लिखोगे हमेशा सभी में, प्लीज लुक इनटू द मैटर, जो हमने मैटर लिखा है उसमें आप जल्दी से खोजबीन कीजिए, इमीडिएटली, इमीडिएटली एंड और डू द नीडफुल, और जो जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है उनके लिए कुछ कीजिए। इतना लिखने के बाद में आप थिंकिंग यू लिखोगे, क्या लिखोगे भी, थिंकिंग यू, फिर क्या लिखोगे भी, यूअर्स फेथफुली, जितने भी अपने शिकायती पत्र होते हैं वहां पर आप क्या लिखोगे भी, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स फेथफुली। अब नाम, अपना नाम लिख दो, किसका नाम है भी आपका, लक्षिता, लक्षिता। इस प्रकार आप लिखोगे तो आपके पूर्ण अंक आने की संभावना रहेगी। ये लाइन आप जरूर लिखोगे, एक यहाँ से लेकर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू ड्रा या ब्रिंग यूर काइंड अटेंशन या नोटिस अबाउट तक लिखोगे। इसके बाद में जो आपका लेटर में जो दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है, उससे संबंधित लिखोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना।